नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद के निरसा में मासस कार्यालय में नववर्ष का समारोह का आयोजन। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन सदस्यों ने नववर्ष समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कोलियरी के समस्या और मुद्दों पर बात की गई। JBCCI के सदस्यों एवं निरसा के पूर्व विधायक कामरेड अरूप चटर्जी, बादल बावरी, रामजी यादव, अशोक कुमार मंडल, इन सभी के साथ साथ बिहार कोलियरी के कामकाज यूनियन के सभी मजदूर मौजूद थे। चिरकुंडा संवाददाता मधु गोराई की रिपोर्ट। आशा करते हैं थोड़ी अगर हम लोग खेले, थोड़ी कुछ करें, थोड़ी लड़ाई करें तो हम समझते हैं दबाव बनने पर बीटी सेंटर जो आज दूसरे जगह चली गई है और हमारे नया जो जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है उन लोगों को वहां जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है, वो दोबारा हम लोग याद कर ला सकते। तो ये दो चीजें तो यहाँ पर है और बाकी सारे ढेर सारे जो मांगे हैं वो हम समझते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपनी अध्यक्षता भाषण नहीं आप लोगों के बीच में रखे। साथियों, कुछ लोगों की JBCCI के बारे में मीटिंग के बारे में भी आप लोगों की जानकारी चाहते होंगे। सातवां मीटिंग में से हम लोग वॉकआउट किए और हम लोगों ने सेमिनार कॉल किया रांची में जो, और उसके बाद हम लोग स्ट्राइक के तरफ आगे बढ़ेंगे। 7 तारीख को सेमिनार थी, 3 तारीख को मीटिंग कॉल की गई और जो 10.5% तक उठी थी वो 19% तक गई। चूंकि अगले बार की बेसिक कम थी इसलिए 20% जो थी उस समय तक हाईएस्ट थी। अभी चूंकि बेसिक काफी ज्यादा है इसलिए 19% हम समझते हैं जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोयला क्षेत्र के मजदूरों की हो। इसके साथ साथ आगे 3 या 4 मीटिंग और भी हम समझते हैं जो होगी जिसमें अलाउंस से लेकर तमाम जितने भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य चीज थी MGB वो खत्म हो गई और उसी के आधार पर तमाम अलाउंस से लेकर सभी कुछ कैलकुलेशन होकर आगे के दिन में फाइनल जो नेगोशिएशन होगा वो। तो ये JBCCI का मामला है। मैं आपको और बता दूं जो सबसे जो भयंकर चीज हो रही है होने जा रही है कोल इंडिया में, मतलब वो ईस्टर्ली करेंगे या कोल इंडिया करेंगे। लेकिन अब जो टेंडर दी जा रही है उसमें कोयला खनन से लेकर विस्थापन से लेकर बेचने का भी अधिकार कंपनी को ही हो और ये इसकी शुरुआत हमारे मुंबई इंडिया से भी हुई है जो कुछ माइंस जो आज के दिन लीज कर दिया गया है, 25 साल की लीज कर दी गई है, उसमें से एक माइंस तो आज मीटिंग के विशेषता क्या रहा आप लोगों के ढेर सारे मांगे थे चाहे रेगुलराइजेशन ना हो, मजदूरों के प्रमोशन ना हो, नया माइंस खोलने के मामला हो, हमारे बराकर इंजीनियरिंग से लेकर BGC तक दोबारा चालू करने के मामला हो, ये तमाम सवालों को लेकर CMD से वार्ता हुई थी, DP से भी वार्ता हुई थी। लेकिन वो RLC में आज भी हम डेट हम लोगों की चल रही है लेकिन अभी तक कोई चीज़ों पर ठोस पहल नहीं है जिसके कारण हम लोगों ने लास्ट मीटिंग रखा गया 18 तारीख को। अगर नहीं होती है तो 20 तारीख को पूरे मुंबई एरिया को बिहार को लेकर कामगार यूनियन के बैनर तले हम लोग श्यामपुर ए जहाँ बोल रहे हैं क्या शुरू होने जा रहा है।